अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से और खैरियत से होंगे। हम मेरा आशा ने किचन में आज बना रहे हैं चिकन दाना। सो हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च वगैरह, और 2 चम्मच हमने हल्दी डाली है, 2 चम्मच लाल मिर्च पिसे हुए डालेंगे, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच चिकन दाना मसाला है। हम इसमें कलर वलर नहीं डालते हैं, नेचुरल है बिल्कुल। नींबू निचोड़ देंगे स्वाद के लिए, टेस्ट आ जाएगा अच्छा। इसको हम कॉर्न फ्लोर डाल रहे हैं, कॉर्न फ्लोर से मसाला छूटे नहीं। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स करके रख देंगे 2 घंटों के लिए, ताकि मसाला अच्छे से चढ़ जाए। अभी हमारा 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम तेल रख दिया है कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका है। अब 1-1 पीस करके तलने के लिए डाल रहे हैं हम। अच्छे से गर्म हो गया है तेल, पहले हम इनको हाफ फ्राई करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे और वापस निकाल लेंगे इनको, ताकि पूरे तल जाए। तल लेंगे उसके बाद में सबको डबल फ्राई करेंगे, तब जाके इनका टेस्ट आएगा और अच्छे से पकेंगे। अब हम निकाल रहे हैं वापस, हाफ फ्राई हो गया है। हमने कलर नहीं डाला इसमें, ये सारे हाफ फ्राई होके तैयार हो गए। अब हम वापस से फ्राई करना शुरू कर दिया है, ये डबल फ्राई हो रहा है। अब जाके इनका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी, और अच्छे से पक जाएंगे अंदर से। ये सारे डबल फ्राई होके रेडी हो गए और खाने के लिए तैयार हैं, क्रिस्पी और अच्छे। चिकन दाना खाओ।